गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड द ब्रेनी रैट बुद्धिमान चूहा, वो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। वो हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्लास, इस क्लास में क्या करना है हमें कि जो अपना चैप्टर सेकंड था, ओके, जो कंप्लीट हो चुका था, उस चैप्टर के हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। ओके, जहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ट्रैक में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है हमें, जो करेक्ट ऑप्शन है, जो हमारे पास यहाँ नीचे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 questions, और उनमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन है हमें उसे क्या करना है बेटा, टिक करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द रैट लिव्ड इन द हॉल ऑफ ए और एन। जो चूहा था वो कहाँ रहता था, कौन से हॉल में रहता था? नीम ट्री के हॉल में, बेनियन ट्री के हॉल में, एप्पल ट्री के हॉल में, या मैंगो ट्री के हॉल में? सो कौन से ट्री के हॉल में रहता था रैट? इन द रैट लिव्ड इन द हॉल ऑफ ए बेनियन ट्री, एक बेनियन ट्री के हॉल में रहता था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर। सेकंड, ऑल द 4 animals ऑफ दैट ट्री वर। जो उस पेड़ पर रहने वाले 4 animals थे, कौन कौन से? रैट, कैट, आउल, मंगूस। जो 4 animals थे वो एक दूसरे के क्या थे, एनिमीज, दुश्मन, हंग्री, भूखे, फ्रेंड्स, दोस्त, थ्रस्टी, प्यासे। कैसे थे जो 4 animals उस बेनियन ट्री में जो रहते थे, बेनियन ट्री पर जो रहते थे, वो क्या थे, एक दूसरे के एनिमीज थे। क्या थे, एनिमीज, दुश्मन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, देन क्वेश्चन थर्ड, द कैट वॉज ट्रैप्ड इन द, जो कैट थी, जो बिल्ली थी, वो कहाँ फंस गई, कहाँ ट्रैप्ड हो गई? ए ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो पेड़ की जो ब्रांचेस थी उनमें, आउल्स पाम, जो आउल के जो पंजे थे उनमें, हंटर्स नेट, जो शिकारी था उसके जाल में, या मोंगूज पाउज, मोंगू के पाँव में। कहाँ फंस गई थी बिल्ली, इन द हंटर्स नेट। ओके, नेट में फंसी थी, जो कि नेट किसका था, हंटर का। सो द कैट वॉज ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द कैट वॉज इन, जो कैट थी वो किस में थी, इंटेंशन, उसे टेंशन हो रही थी, इन ट्रबल, ट्रबल में थी, कंफ्यूजन, उसे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, या फिर इन हरी, या फिर जल्दी में थी। सो द कैट वॉज इन ट्रबल, वो ट्रबल में थी, ना तो उसे टेंशन थी, ना उसे कंफ्यूजन था, ना ही वो जल्दी में थी, वो किस, उसे क्या था, सी वॉज इन अ ट्रबल, वो किस में थी, ट्रबल में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, द रैट वॉज वेरी, जो रैट था वो बहुत ज्यादा नोटी था, क्लेवर था, चतुर था, लेजी, आलसी था, या अफ्रेड, डरा हुआ था। सो जो रैट था वो बहुत ज्यादा क्लेवर था। कैसे, कि पहले उसने, जब बिल्ली ट्रबल में थी तो बिल्ली की हेल्प ली उसने, ओके, वरना तो जो आउल और जो मंगूस थे उसे खा सकते थे, ओके, किल कर सकते थे, तो उस वक्त उसने
कैट से हेल्प ली, और जब उसने कैट के लिए वो नेट कट कर दिया, फिर जाके वो जल्दी से अपने जो होल है उसमें वो एंटर हो जाता है और कहता है कि बिल्ली मासी जी, आप तो मेरे बचपन के दुश्मन हो, तो आप कभी मेरे दोस्त नहीं बन सकते, अगर मैं बाहर आऊंगा तो आप मुझे खा सकते हो। ओके, सो वो क्या था, वो उसकी क्लेवरनेस थी। ओके, एंड बिल्ली को उसने सक्सेस नहीं होने दिया उसे खाने में। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द रैट वॉज वेरी क्लेवर। जो रैट था, जो चूहा था, वो बहुत ज्यादा चतुर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, आंसर इन वन वर्ड। जो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका क्या करना है, हमें आंसर इन वन वर्ड देना है। ओके, वन वर्ड में हमें उनका आंसर राइट डाउन करना है। सो व्हाट्स क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर वॉज द बेनियन ट्री। जो बेनियन ट्री जो है वो कहां पर था, बेनियन ट्री कहां था, जंगल में था। जंगल कैसा था, घना। सो इन अ थिक जंगल, आई एन इन ए टी एच आई सी के थिक, जे यू एन जी एल ई जंगल, इन ए थिक जंगल, जे यू एन जी एल ई जंगल, इन अ थिक जंगल। ओके, क्वेश्चन सेकंड, हाउ मैनी एनिमल्स ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री वर एनिमीज ऑफ ईच अदर। उस ट्री के कितने एनिमल्स एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के एनिमीज थे। उस ट्री पर तो कुछ 100 families रहती थी, लेकिन उनमें से दुश्मन कौन कौन थे, कैट, रैट, आउल एंड मोंगूज। ओके, ये तीन थे, फोर थे। सो कितने एनिमल्स दुश्मन हुए, 4 animals, F O U R, 4, A N I M A L S, animals. Okay? Next, question third, who spread the net near the tree? किसने उस पेड़ के पास में नेट को स्प्रेड किया था, नेट को बिछा दिया था, किसने बिछाया था, the hunter। ओके, किसने बिछाया था, हंटर ने, ए एच यू एन टी ई आर, हंटर, अ हंटर। ओके, क्वेश्चन फोर्थ, हु वॉज इन ट्रबल, ट्रबल में कौन था। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। ओके, ट्रबल में कौन था, कौन था, कैट। सो द कैट, द कैट वॉज इन द ट्रबल, टी एच ई द सी ए टी कैट, द कैट वॉज इन द ट्रबल। ओके, नेक्स्ट, हु कट द नेट, नेट को किसने कट किया, हु कट द नेट, नेट को किसने कट किया, द रैट, रैट ने कट किया था। सो द रैट, R A T, rat, the rat cut the net for cat। okay, चूहे ने जाल को कट किया था किसके लिए, बिल्ली के लिए। okay, so question A and question B, question A के जो 5 questions हैं ये, and question B के जो 5 questions हैं ये, questions you have to do in your फेयर नोटबुक। ओके, आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर कहीं डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता, तो आप पूछ सकते हो। ओके, बाय।